ओम शांति। आज 29 मई 2021 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे जिसे बाबा प्यार का सागर है उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज यानी नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहां यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रीन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं, बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं। ही पतित पावन दुख हरता सुख करता, आओ अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं, कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं, यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है, जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो? यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बगैर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है, तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तुम प्रधान बने
तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, वह थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतु प्रधान थे, अभी तुम तमु प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते भी हैं परमपिता परमात्मा गॉडफादर सुप्रीम सोल। तो परमात्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं है ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगेना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े।
शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते, शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे, मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं, तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है यह बच्ची जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया। यह सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर कामचिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं पतित पावन। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी, आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है जहाँ हीरों का देखो कितना मान है, वहाँ तुम पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ था नहीं, वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है, शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे, विराट रूप भी बनाते हैं। उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची
कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाई, अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़े ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भू करते हो, तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे, हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं, फॉलो करो, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं। सेंटर के लिए खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज यानी नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूरत भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो।
इससे ही संपूर्ण मुहूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही